हेलो फ्रेंड्स, अल्टीमेट रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन बोटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं मटन बोटी कैसे बनती है। तो उसके लिए हमने 1 kg मटन बोटी लिया है। इसको अच्छे से गर्म पानी में वॉश कर लिया है। इसको वॉश करने के बाद फिर से इसमें हल्दी और नमक लगाकर मटन बोटी बनाने के लिए हमने 4 से 5 बड़ा प्याज लिया है। प्याज से ग्रेवी बहुत ही अच्छा होता है। प्याज को मैंने छिलका हटाकर इसको अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया है। ये थोड़ी सी धनिया पत्ती है और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 तेज़पत्ते मैंने लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मटन बोटी बनाना। और ये 5 बड़ा लहसुन जिसको छिलकर वॉश करके पेस्ट बना लिया है और 2 छोटा टुकड़ा अदरक, दोनों को हम एक ही में पेस्ट बना लिए हैं। मटन बोटी बनाने के लिए सबसे पहले कुकर को गर्म करेंगे। कुकर जब गर्म हो जाए तो इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को भी गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें आप 2 तेज़पत्ते डाल रहे हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग और 2 छोटी इलायची को डाल देंगे। फिर इसमें 2 लाल मिर्च को डालेंगे और ब्राउन कर लेंगे। ये सब ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मैं प्याज को डाल रही हूँ। हमने प्याज को हल्का ब्राउन कर लिया है, अब इसमें हम मटन बोटी डाल रहे हैं। बोटी को डालकर अच्छे से चला लेंगे चारों तरफ से। बोटी को हम चला कर 2 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे। बोटी को हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम जो मसाले लिए थे वो सबको डाल देंगे। मसालों को डालकर अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं जो बना के रखे थे पहले से। अब इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से चला लेंगे और 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। हमने चला लिया है अच्छे से, अब इसमें हम 1/2 जग पानी डाल रहे हैं। पानी को डालकर अच्छे से चला लेंगे और 5 से 6 सीटी लगाएंगे। 5-6 सीटी हाई फ्लेम पर लगाएंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। कुकर को हमने हाई फ्लेम पे 5 से 6 सीटी लगा लिया, फिर उसके बाद लो फ्लेम पे 2 से 3 सीटी लगाए हैं। अब इसको मैं खोल के चेक करूँगी बोटी गला है या नहीं। तो देखिए हम चेक कर रहे हैं गला है या नहीं। बोटी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे चला के भूनेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में भी इसको रख के भून सकते हैं। देखिए हमारा मटन बोटी धीरे धीरे भुना रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसमें तेल भी छोड़ रहा है। ऐसे ही हम चला के भून लेंगे। फिर मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से चला लेंगे। देखिए हमारा बोटी बहुत ही अच्छे से भुना गया है। अब इसको हम सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारा मटन बोटी खाने के लिए एकदम रेडी हो गया है। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी। आप भी अपने घर में ट्राई ज़रूर करें ये रेसिपी और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं आप तक उस रेसिपी ज़रूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच।